अर्चना जी, हमारी लाइफ जो है म्यूजिक के बिना अधूरी है. आप देख लो, आज से 50 साल पहले शादियों में जो गाना बजता था वो आज भी बजता है. और रिश्तेदार ऐसे नाच रहे होते, एक तो बारात लेके जा रहा है वो, ऊपर वीर रस वाला गाना, फूफा और जीजा के वैसे दो दो पैक लगे होते हैं. हम पीछे लोग गोलियां चला रहे, दूल्हे ने हाथ में तलवार पकड़ी है, लगता ही नहीं दूल्हन लेने जा रहा है, ऐसा लगता है प्लॉट पे कब्जा लेने जा रहा है ये. अरे सबसे मुश्किल काम होता है वो बड़ा वाला भोपू नहीं होता जो जिसको गले में डाल लेते जयमाला की तरह. गाना कोई भी बज रहा हो ना, जैसे सुबह से गाना बज रहा है आजा शाम होने आई, उसका एक ही बजेगा, उसकी इतना वो ज्यादा बज ही नहीं सकता दो बार ज्यादा. उसकी आंखें बाहर आई होती, फांसी नहीं लगी होती जैसे. अच्छा लेडी संगीत जब होता है उसमें एक लेडी ऐसी होती है जिसको ढोलक बजानी आती है, एक ही बीट आती है उसको, तो वो फिर एक ही बीट पे सारे गाने निपटा देती है. ये सूट पहन के आती है उस दिन, साड़ी में ढोलक घुसती नहीं ना ऐसे, तो ये 3 घंटे बजाती रहती, फिर टांग सो जाती. इनको काम बोले ना आंटी, वो ले रहा है पैर सो रहा है, टांग सो जाती है. लेकिन रात को जैसे ही बताशे और समोसे बटने का टाइम आता ना, यही लेडी जो बोली थी मेरी टांग सो रही है, 6 लोगों का पैर कुचल के भागती है. अच्छा लेडी संगीत में एक और औरत होती है जिसका एक ही टैलेंट होता है, ढोलक में ना चम्मच बजाना. इसके लिए ये हाथ की इतनी प्रैक्टिस हो जाती है ना, 15 मिनट के बाद ऑटो पायलट मोड पे लग जाता है ये टक 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 चलता रहता है. साथ में बैठा बच्चा रहता ना, उसकी नाक भी पहुंच जाती, टक टक टक, चल निकल, चल निकल जा, चल. हां जी शाबाश. सुपर. ऑर्केस्ट्रा वाले आप देखें कभी, उनका ना अंदाज बड़ा मजेदार होता है कि जब बोलते हैं ना अनाउंसमेंट करते जो होस्ट होता है, अब मेहरबान कदरदान शादी के हसीन मौके पे दूल्हा दुल्हन की हमारी खास पेशकश है. और जैसे दूल्हन एंटर करती है पूरा फील लेता है गाने का. दूल्हा तलवार लेके बैठा भड़क रहा होता है कि साला इतना फील तो मैंने नहीं लिया जितना ये ले रहा है, दुल्हन मेरी है तेरी थोड़ी है. और कस्टमर में ना ऐसे पुराने मैंने देखा, एक सिंगर ऐसा जरूर होता है जो लड़का लड़की दोनों की आवाज में गाता है. अच्छा ट्रेन में जो गाते हैं ना ट्रेन में, उनका अलग ही एक सीक्वेंस बनाया होता है उन्होंने अपना, पता नहीं कौन सी लकड़ी पे ना एक अलग ही तार लगा के अपना खुद का गिटार बनाया होता है. तो वो दो पत्थर लेके गाते ना जो, अरे उनको पता चल जाता है कि कौन सा बंदा पैसे देगा. सपोज जैसे दास दादा ये पैसे देने वाले हैं, सारा गाना इन्हीं को फोकस कर देंगे. अच्छा कई ढीठ होते हैं उनको पैसा नहीं देना होता, तो वो फिर गाना सुनते नहीं क्योंकि उनको पता है आंखें मिल गई तो पैसा देना पड़ेगा. तो वो भी जैसे गाना गाते हैं उनकी आंखें मिलती इधर देख के तो अपना मोबाइल छेड़ने लगते हैं. कई बार तो उनको गाना सुनने के लिए नहीं छूटने के लिए पैसे देने पड़ते हैं. एक आदमी था, उन्होंने एक बच्चे को ऐसे देख लिया, बोलते बेटा ये तेरी उम्र है, ऐसे नहीं करना चाहिए, भीख नहीं मांगनी चाहिए. उसका फोकस देखो, उसका कितना क्लियर है मांगने वाले का, किलर. गांव में आज भी कई लोग पुराने गाने सुनते हैं. एक चाचा मैंने देखा गाना सुन रहे थे, मैंने देखा, मैं कहा वाह अंकल आप अल्ताफ राजा के फैन लगते हैं, कहता है मैं अल्ताफ राजा ही हूँ. पुराने जमाने के आप रेडियो जो जॉकी होते थे उनका ना, आजकल जितने भी आते हैं ना बड़े एनर्जेटिक से आ गए हैं, हम देख रहे हैं ये फलाना फलाना, वो कुछ ना कुछ फास्ट फास्ट बोलते रहते हैं. पुराने लोग जो बड़े ठहराव से बोलते थे. आकाशवाणी केंद्र से आप सुन रहे हैं विविध भारती, समय हुआ है 4:56. इस रंगारंग कार्यक्रम में पहले गाने की फरमाइश की है झुमरी तलैया से सोहन मोहन राकेश और उनके बहुत से साथियों ने. हीरानगर और कानपुर से फरमाइश की है बब्बन गुड्डन बलबीर और उनके बहुत से साथियों ने. गीत है फिल्म जंगली से मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसका संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने, गाने के बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने. आइए सुनते हैं शम्मी कपूर पे फिल्माया गया ये गीत, आइए या करूं मैं क्या सुकू सुकू. मुझे लगता है कभी कभी यार ये अपनी बीवी से भी ऐसे ही बात करते होंगे घर जाके. जी हाँ श्रीमती जी, आपकी खास फरमाइश पे लेके आया हूँ टमाटर धनिया गोभी शकरकंद और बहुत से आलू, जिसे खाने की फरमाइश की है हमारे गुड्डू मुन्नू और उनके साथियों ने. आहा. अच्छा ये सास बहू वाले डेली सोप देख लो आप, इनका सारा मजा बैकग्राउंड म्यूजिक में. अगर इनमें से बैकग्राउंड म्यूजिक निकाल दो आपको मजा ही नहीं आएगा. सपोज अगर कोई लड़की डायलॉग बोल रही है, मैं भी देखती हूँ तू मेरा घर छोड़ के कैसे नहीं जाती, कोई मजा नहीं है. यही अगर आप म्यूजिक के साथ देखो ना, मैं भी देखती हूँ तुम मेरा घर छोड़ के कैसे नहीं जाती, तो ना एक फील आता है. सीरियल में तो म्यूजिक काम करता है, बॉलीवुड में तो बहुत ही ज्यादा काम करता है. सारी साइंस लगी हुई, सारे साइंटिस्ट लगे हैं, सारे डॉक्टर पागल हुए पड़े हैं, माँ की यादाश्त नहीं वापिस आ रही. लेकिन बेटा जैसे गायक ना, जिंदगी हर कदम एक नहीं माफती है. रवि तू आ गया,
म्यूजिक की पावर, म्यूजिक जो होता है ना सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे अगर किसी लड़का लड़की को नया नया प्यार हुआ ना, तो लड़के का गाना ऐसा होता है आदमी को सीधा यो यो हनी सिंह से जगजीत सिंह जी की तरफ ले जाता है। अच्छा पहले कई ऐसे सुना है हमने कि तानसेन जब होते थे इतने महान गायक थे कि जब वो गाते थे कांच टूट जाता था ऐसे। एक बार ये दिनेश गा रहा था, कांच टूट गया, ये बड़ा खुश कहता मेरे में तानसेन आ गया। मैं कहा बाहर देख तेरा पड़ोसी आ गया, उसने पत्थर मारा है, अभी तेरा सर फोड़ने आ रहा है। वो गाना नहीं चाहिए करना। अच्छा म्यूजिक सिर्फ इमोशन से ही नहीं जुड़ा होता, कभी कभी इमोशन से भी जुड़ा होता है। कभी कभी आप देखना आदमी अंदर बैठा होगा ना, सिचुएशन ऐसी होती, जाते ही बैठा तो उसके गाने ऐसे होते हैं। अभी जा, अभी जा। अब देखना आदमी जिसको बड़ा ऐसे फाइनल स्टेज पे होता है प्रेशर, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। नॉर्मल आदमी ऐसे रहता है ना, तो जिसका काम खराब हुआ रहा था वो ऐसे रहता है फिर। उसको पता है मैंने जरा सा सांस भी तेज ली ना तो इधर। ऐसा ही नहीं है कि म्यूजिक ही सिर्फ आपको एंटरटेन करता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। मैं अपने यहाँ पे जितने भी दर्शक बैठे हैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लोग अपने आप को एंटरटेन करने के लिए और क्या क्या करते हैं आप? जी कोई है? फर्स्ट ऑफ ऑल कपिल आई लव यू। थैंक यू सर, लव यू टू, शुक्रिया। एंटरटेनमेंट करने के लिए कपिल जी घर पे आके मेरा एक ही फंडा है, म्यूजिक व्यूजिक कुछ नहीं चाहिए। अच्छा जी, आके बीबी को छेड़ दो। बीबी को छेड़ दो? अपनी बीवी है किसी और की? ये गड़बड़ हो जाएगी। आपके साथ आई है आपकी वाइफ, नमस्ते जी, कैसी हैं आप? क्या बोलते हैं आपको आके, ऐसे ही करते हैं? इतना छेड़ते कि मैं बहुत खुश होती हूँ। और जब मेरे को कभी कुछ काम करवाना होता है इनसे, हाँ। तो मैं इनको कहती हूँ कि मेरा ये काम कर दो, आपको कपिल के शो की कसम। तो इतना फटाफट काम करते थे, कोई एपिसोड मिस नहीं किया आज तक आपका। थैंक यू सो मच सर। कहाँ वैसे आए, कहाँ से आप? उदयपुर राजस्थान। अरे वाह, बड़ी ब्यूटीफुल शहर से आए आप। आपके लिए मैंने दो लाइन लिखी है। हाँ जी प्लीज मैम। ओ कपिल तेरा शो देखे हम, तेरा शो देखे हम, हर दम हंसते हंसते रहे हम। जय हो। थैंक यू। बड़े प्यारे हैं आप दोनों, धन्यवाद शो में आने के लिए। और हमारे कोई दोस्त? जी मैडम। हेलो कपिल सर। हेलो जी, कैसे आप? बस मैं ठीक हूँ। जैसे आपने पूछा कि म्यूजिक के अलावा क्या करते हैं, हाँ जी, तो मैं गुजराती हूँ, मुझे गरबा करना बहुत पसंद है। अच्छा जी, लेकिन मेरे जो सारे गुजरात वाले गरबा क्यों करते हैं? मतलब गरबा तो अच्छी चीज है। ज्यादा मीठा खाते हैं, कैलोरीज बढ़ जाती है, तो गरबा करना पड़ेगा। अच्छा जवाब है। लेकिन मेरे जो हस्बैंड है उनको, हाँ वो गुजराती नहीं है। अच्छा जी। तो हमारी शादी में दो कंडीशन थी, उन्होंने कहा था कि हमारी जो फैमिली होनी चाहिए वो संस्कृत फैमिली होनी चाहिए। संस्कृत? हाँ जी। तो आप गुजरात से? हाँ। हैं? मैं गुजरात से हूँ, वो उड़ीसा से हैं। और संस्कृत वाला कौन है बीच में? जैसे हम गुजराती बोलते हैं वैसे हम घर में संस्कृत भी बोलते हैं। रियली? हाँ जी। तो उन्होंने मुझे शादी के दिन संस्कृत में ही प्रपोज किया था। अच्छा, तो आए आपके? नहीं, किसी और को ना संस्कृत बोल रहे हैं उधर। तो क्या बोला उन्होंने संस्कृत? हाँ, में आपको संस्कृत हमें में कैसे प्रपोज किया? कैसे उन्होंने गाना गाया था? अच्छा, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना जो गाना वो है। संस्कृत तो नहीं है? हाँ जी। वाओ, क्या बात है, वाकई संस्कृत आती है। थैंक यू मैम। और कोई हमारे दोस्त जो अपने विचार पेश करना चाहते हो? यस। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो अर्चना मैम। सर मैं एंटरटेनमेंट के लिए, मुझे मॉल्स में जाना बहुत पसंद है। तो सब जाते हैं। हाँ। तो फिर क्या करती मॉल में जाके आप? सर मुझे बार्गेनिंग का बहुत शौक है, मैं बार्गेन बहुत करती हूँ। मतलब अगर सेल भी लगी होगी तो मैं वहाँ पे भी बार्गेन करके चीज लूंगी। तो मान लो 1000 रुपए तक की चीज है तो कितने तक आप खर्च कर देती हैं? 600 तो कराऊंगी मैं। तो खुद को इस 800 की पड़ी हो तो? सर फिर वो उसका लॉस, क्योंकि मैं तो 600 से कम में नहीं लूंगी अगर उसने 1000 बोला तो। अच्छा, मान लो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो आपको माइक मैंने दिया है, आप फ्रूट्स बेचने की कोशिश करिए, मेरे को मैं आपको बार्गेन करके दिखा। ये बहन जी ड्रैगन फ्रूट है, 1000 रुपए किलो है। नहीं भैया, थोड़ा कम लगाइए ना।
थोड़ा तोड़ के कम लगा लूंगी। चलो 1000 रुपया बोला, 50 रुपए। हाँ अच्छा, 50 रुपए अगर खर्च रही हो तो उसके साथ कुछ और भी दो। इसके साथ मुझे ले जाओ। तो फिर आपको क्या खुशी मिलती है ऐसे रेट कम करवा के? सर बड़ा इम्पोर्टेंट फील होता है अपने आप को ना वैसे, मतलब लोग जब मान जाते हैं ऐसा लगता है हाय क्या बात है। भाई साहब आपके बगल में बैठे, मैं इनसे विचार जानना चाहता हूँ। भाई साहब आप बड़े चुपचाप बैठे, मैं माइक दीजिए इनको, ये सही कह रही हैं? महिलाओं के हाथों में बहुत शक्ति होती है, इनकी जुबान में शक्ति होती है। पुरुष इनकी तरफ आकर्षित होके कुछ भी कर सकता है, इनका आकर्षण होता है ना, वो लॉस कहीं और गेन कर रहा है। हाँ जी, इनको अपने पास रख के और कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा है, इनको नहीं समझ में आता वो चीज। हाँ अच्छा, ये बात बड़ी गहरी कही है। आपका नाम क्या है सर? मुकेश मिश्रा। मिश्रा जी आप बड़े पसंद आए हमें। तो अर्चना जी आज हमारे शो में बहुत ही खास मेहमान आने वाले हैं, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन मुझे अभी भूख लग रही है, मैं कुछ खा के आता हूँ। अच्छा। आप भी जाओ जाओ, टूट पड़ो खाने पे आप। ओ अर्चना जी, आज हमारे शो में बॉलीवुड से कुछ स्टूडेंट्स आने वाले हैं। पहले स्टूडेंट तो वो हैं जो अच्छे एक्टर होने के साथ साथ फिल्मों में इतने खतरनाक स्टंट्स करते हैं कि सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आने वाली फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के यंग एनर्जेटिक एंड ट्रूली माचो स्टूडेंट टाइगर श्रॉफ। ओ थैंक यू, थैंक यू कपिल, कपिल, कपिल। शुक्रिया, धन्यवाद। एक बात है, मैं जब भी टाइगर से मिलता हूँ ना, इतना इंस्पिरेशन मिलता है ना, वो अलग बात है आगे हम उसको यूज करें ना करें। टाइगर का कोई अवार्ड शो में कभी डांस आ रहा हो, क्योंकि ये कितना खूबसूरत डांस करते हैं और इतने खूबसूरत स्टंट ये लाइव करते हैं, तो मैं हमेशा कभी कभी इनको मैसेज करता हूँ, ब्रो सो प्राउड ऑफ यू, क्योंकि हम तो कर नहीं सकते। तो जो कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। पर आप जो करते हैं हम तो कर नहीं सकते सर। सर ये तो फिर भी रिहर्सल करके हो जाता है, ये नहीं होता बस। पर अर्चना जी आप कभी टाइगर से पहले मिली है? हाँ बचपन में, इसको तो याद नहीं होगा लेकिन मैं मिली हूँ। बचपन में नहीं, इनके बचपन में वो तो इसको बिल्कुल याद नहीं होगा। तुम्हारे पापा जग्गू दादा, हम नेपिन सी रोड पर एक साथ जब वो 3 बत्ती पर रहते थे, तो अभी तक ही ओज मी 5 रुपए। ओ रियली? पूछो कैसे? कैसे? क्योंकि जब वो स्ट्रगलर थे, मैं भी स्ट्रगलर थी, तो वो जब एक कोई भिखारी आता था सामने, और जग्गू दादा का दिल तो बहुत ही मोम जैसा है, एवरीबडी नोज, तो बोलते भिखारी, वो बोलती थी ये दुआ वो दुआ नो, तो जग्गू दादा आची आची गोड़ा वन बाग, मुझे पता नहीं किस लिए मांग रहे, हाँ आल गिव यू वन बाग, हाँ ये लो, और वो सारी दुआएं जग्गू दादा को देकर चली जाती थी, पैसे मेरे जाते थे। क्या बात है। But I love your dad. Thank you, ma'am. और एक और किस्सा है, एक बार फिल्मिस्तान में मैं अपने मेकअप रूम में सो रही थी, तो मुझे एक आवाज़ आई हल्का सा दरवाजा खुलने की, मैंने कहा शायद स्पॉट बॉय या कोई आया होगा, फिर किसी ने वो बड़ी बड़ी लाइट है जो मेकअप की होती वो ऑफ की, मैंने कहा अरे वाह वेरी गुड, मेरा स्पॉट बॉय बहुत ट्रेंड है, फिर किसी ने तकिया लगाया मेरे उसके नीचे, मैंने कहा ये तो मेरा स्पॉट बॉय नहीं कर सकता। पर मैं इतनी नींद में थी, देन आई सेड चलो जाने, एंड देन आई हर्ड समबडी शट द डोर एंड आई हर्ड जग्गू दादाज वॉइस सेइंग मैडम अंदर सो रही है, उनको डिस्टर्ब मत करने देना। दैट वाज थैंक यू, थैंक यू, ही इज अडोरेबल। उन्होंने आपका 1 लाख रुपए का ध्यान रखा, आप 5 रुपए मांग रही हैं उनसे, आप देखो। तो टाइगर आप जैसे ही घर जाएं, पहले तो पापा को बोलो ये 5-5 रुपए दो और मुझे बातें सुननी पड़ रही हैं। कुछ लोग नहीं हटते हैं, सारी उम्र थोड़ी ना बातें सुनते रहेंगे, आप तभी छोटे थे जबकि बात आ रही है, और जब आप 60-70 के बजे तब भी सुनाएंगी ये। और मुझे तो शक है विद इंटरेस्ट लेके आएंगी ये। एनीवेज स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया, शुक्रिया सर, थैंक यू, थैंक यू। अरे स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो फर्स्ट आपने देखी, बहुत बड़ी हिट फिल्म थी, कितने खूबसूरत स्कूल है ये, सिर्फ करण जौहर के हो सकते हैं।
जहाँ बच्चे इंजॉय करने आते हैं. अब देखो यहाँ की टीचर आप देखना, ऐसी चल के आती ना, लगता है मिस यूनिवर्स का फाइनल राउंड चल रहा है. ऐसी मैडम होती है कि ऐसा स्कूल हो तो स्टूडेंट का बच्चे का बाप भी रोज स्कूल आए. एक हमारे स्कूल में होती थी मास्टरनी जी, इतना बड़ा ऊन का गोला लेके आती थी. सारा दिन स्वेटर बुनती रहती थी और शाम तक आधा किलो पकौड़े खा के ना प्याज वाली चटनी के साथ. बच्चे के मुंह पे ऐसा डकार मारती थी, अगले दिन स्कूल जाने का मन नहीं करता था. टाइगर जब आपको डायरेक्टर इस फिल्म के लिए साइन कर रहे थे स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए, जी, आपने उनसे पूछा नहीं ऐसे स्कूल कहाँ पे होते हैं? एक्चुअली मुझे कभी मौका नहीं मिला कॉलेज जाने का, तो अच्छा स्कूल के बाद डायरेक्ट मुझे हीरोपंती मिली. सो दैट वॉज माई कॉलेज. फॉर मी ये एक नया एक्सपीरियंस रहा और बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा. सो आई डोंट नो सर. सो फॉर मी दिस इज कॉलेज लाइफ फॉर मी. अभी आपकी बागी जो आई थी, इतनी बड़ी हिट फिल्म हुई, उसके बाद बागी 2 आई, अब बागी 3 भी चल रही है ना? जी बागी 3. अच्छा अपनी फ्रेंचाइजी में तो आप छाप ही रहे हैं. जी. वरुण और सिद्धार्थ ने कहा नहीं कि हमारे में भी घुस गए आप? अरे वो तो पास आउट हो गए ना. हाँ ये भी है. तो मुझे भी एडमिशन लेना पड़ा. वेरी गुड. और मुझे यकीन है कि इसकी आगे जितनी फ्रेंच ये नहीं छोड़ने वाला बंदा. चलिए टाइगर आप इतने बड़े स्टार बन चुके हैं लेकिन अभी भी आप साल में एक फिल्म करते हैं, तो आपका खाने का खर्चा कम है इसलिए ज्यादा काम कि यार जिम में ज्यादा वक्त निकलता है आपका? ज्यादातर एक्शन फिल्में करता हूं मैं जी. तो काफी मेहनत लगती है, काफी वक्त लगती है. ज्यादातर प्री प्रोडक्शन में काफी टाइम लगता है. दैट्स व्हाई इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू राइट फाइनली मेक द फिल्म. पर इतनी मेहनत लगती है, ये उसी का नतीजा कि जब भी फिर ट्रेलर आता है टाइगर की फिल्म का तो पता होता है दर्शकों को कि ये श्योर शॉट हिट है, ये कमाई है इनकी मेहनत है. आपको पता है विल स्मिथ, हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ, उन्होंने इस फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस किया, एक डांस किया है. तो कैसा लगा टाइगर आपको उनके साथ काम करके? ऐसा लग रहा था कि मैं सपना देख रहा था, क्योंकि बचपन से मैं बहुत देखता था विल स्मिथ की सारी फिल्म्स, मैन इन ब्लैक, बैड बॉयज. तो काफ़ी यू नो अनरियल एक्सपीरियंस था. मैं उनके बाजू में ही डांस कर रहा था और बीच बीच में आके पूछते थे, अरे यार तू हाथ के साथ क्या कर रहा है, लेग्स के साथ क्या कर रहा है, एक बार बताना. तो मुझे अच्छा. बहुत अच्छा लगता था यार कि यार मैं विल स्मिथ को कुछ बता रहा हूँ, कुछ सिखा रहा हूँ विल स्मिथ को. तो उसका वीडियो शूट करना था कि देखो मैं विल स्मिथ को सिखाता हूँ. बट यार बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है और इतने बड़े स्टार है, मतलब आपकी तरह, और आपकी तरह बिल्कुल डाउन टू अर्थ हम्बल है. तो यू नो आई रियली बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस रहा सर उनके साथ. क्या बात है, वी आर सो प्राउड ऑफ यू टाइगर. थैंक यू. अब वक्त है इस फिल्म की दो और स्टूडेंट से मिलने का जो इसी फिल्म से अपना डेब्यू करने जा रही हैं. प्लीज वेलकम द वेरी ब्यूटीफुल तारा सुतारिया एंड अनन्या पांडे. वाव मजा आ गया. तारा आप आइए. यस आ जाओ. बहुत बहुत स्वागत है अनन्या तारा आप दोनों का. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच. कैसी हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक. आप कैसे हो? एकदम बढ़िया. स्कूल से छुट्टी थी आज? हाँ वैसे सिर्फ आज ही मिली छुट्टी. हम बंक करके आए. हाँ आपके लिए. देखो करण जौहर के स्कूल की स्टूडेंट्स देखो आप. ऐसा लग रहा है मक्खन मलाई की बनी हुई है. अगर ज्यादा गर्मी हो तो मेल्ट हो जाएंगी. करण जौहर सर की जितनी फिल्में मैं देखता हूँ इतने प्यारे खूबसूरत स्टूडेंट्स होते हैं, एंट्री लेती हैं स्पोर्ट्स कार में. हमारे स्कूल में मैं बता रहा था अभी आपके आने से पहले टाइगर को, हमारी एक थी क्लास में जितनी लड़कियां ना जेंट साइकिल पे आती थी. ऐसे टांग घुमा के उतरती थी ना. इनकी एंट्री देखो कैसे बाल लहराते हुए एंट्री होगी इनकी फिल्मों में. ऐसे बाल उड़ते हैं पीछे ब्लोट देते हैं. हमारी आती थी दो चोटियां करके, कहीं तो नहा के भी नहीं आती थी. और ऐसे स्कूल में पढ़े बच्चे तो फिर कॉमेडियन नहीं बनेंगे. फिर अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं हम. अनन्या तारा आप पहले तो आपको दोनों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ. आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से आप अपना डेब्यू करने जा रही हैं. अच्छा इतनी हिट फिल्म का सीक्वल और प्रोड्यूसर करण जौहर, हर एक एक्टर का सपना रहता है कि आप डेब्यू ऐसे करें, तो कैसा लग रहा है आपको मुझे लाइव देख के? बिलीव ही नहीं हो रहा है. हम एक्साइटेड है फिल्म के लिए, लेकिन आई थिंक ज्यादा एक्साइटेड है टू बी ऑन योर शो. 500% बस ऐसे तारीफ करती रहनी चाहिए एक दूसरे की.
अच्छे रिलेशन बने रहते हैं। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। तारा, अनन्या, आप दोनों की ये पहली फिल्म है जी, और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये स्कूल में आपको एडमिशन कैसे मिला, कैसे मतलब आपका सिलेक्शन कैसे हुआ? Actually, तीन requirements है, good looks. Okay. Wow, modesty. तारा, आप कैसे? मेरा जो जवाब है, it's not that funny or exciting. नहीं, funny नहीं, लेकिन actually seriously, तीन साल पहले I met Karan and he asked me to sing actually. और मैंने क्या गाया था, लग जा गले उनके लिए, वो इट्स हिज फेवरेट सॉन्ग। एंड आफ्टर दैट ही सेड, अच्छा कॉलेज से ग्रेजुएट बन जाओ एंड देन टेस्ट फॉर स्टूडेंट ऑफ द ईयर टू। सो मैं ग्रेजुएट बन गई एंड देन एज दे से द रेस्ट इज हिस्ट्री। क्या बात है, हम तो इतनी बार करण सर से मिले हैं, गाने वाने भी गाए हैं, हमें कभी नहीं बोला उन्होंने आ जाओ ले लो फिल्म में। तूने गाना नहीं गाया ना लग जा गले उसके लिए, इसलिए। अच्छा, हमने ट्रेलर देखा, बहुत ही खूबसूरत ट्रेलर है स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 का, लेकिन इसमें एक भी ऐसा सीन नहीं जिसमें पढ़ाई चल रही है। फिल्म में ऐसा कोई पढ़ाई वाला सीन चलेगा कि एक दूसरे का के साथ ही सीन ही चल रहा है आपका? जवानी सॉन्ग में हम बुक्स के साथ नाच रहे थे हम ऐसे ऊपर, नहीं? अच्छा, तो जवानी सॉन्ग में जो खाली एक शॉट आया, हम पढ़ रहे थे वो सब फॉर्मूले, उसी एक शॉट में जो पढ़ रही है उससे करियर बनेगा कपिल का। कुछ कुछ होता है में एक सीन था क्लासरूम का, इसमें मैं एज मिस ब्रिगांजा पढ़ा रही थी। क्या? लेकिन मैं पढ़ा क्या रही थी, अब मुझे याद आ रहा है, प्यार दोस्ती है, दोस्ती है प्यार। तो ये सब्जेक्ट था, मैं तो मतलब रोमियो जूलियट के बहाने से पढ़ा रही थी, लेकिन करण्स फिल्म्स आर ऑल अबाउट रोमांस। अच्छा, जाहिर सी बात है, एक लड़का है दो लड़कियां हैं, तो अंत में एक हीरोइन जो होगी कोई, वो उनका आपस में जो भी होता है फाइनल हो जाएगा। तो आप दोनों में से आपको किसी को टाइगर पे क्रश था साइन करने से पहले? हाँ, आई थिंक था। कैसा लगा आपको? साइन करने से पहले शायद नहीं था, लेकिन साइन करने के बाद तो जरूर था जी। मुबारक हो भाई। Enjoy, bro. Enjoying. टाइगर इतना फास्ट डांस करते ना, 4 मिनट का गाना ना 2 मिनट में अपने स्टेप खत्म करके ना जिम में निकल जाते हैं। आपको कितना मुश्किल था टाइगर के साथ स्टेप्स मैच करने का? बहुत मुश्किल था, वो एक ऐसे करते आफत की तरह है। बहुत ही हार्ड था मैच करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए हैं, तो उनके कुछ सवाल हैं जो उन्होंने मुझे बोला कि आपसे पूछने के लिए, तो मेरे पास ये सवाल हैं बच्चों के। उन्होंने पूछा है कि जैसा वो स्कूल में करते हैं, क्या आप तीनों ने कभी किया है? बिकॉज आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के स्टूडेंट्स हैं, कभी बेंच के नीचे आपने ऐसे चिंगम नीचे चिपकाई किसी ने तीनों में से? मैंने दूसरों के चिंगम को टच किया मिस्टेक से, बाय मिस्टेक। यू नो जब ऐसे होता है, हां ऐसे कभी लग जाती हाथ को, हां तो बहुत गंदा फीलिंग है। और टाइगर ने चिपकाया, वेरी ऑनेस्ट। शुड बी प्राउड ऑफ दैट। कभी वॉशरूम के बहाने क्लास मिस की आपने? यस, सबने की होगी, हाथ ऊपर करना है। कौन से सब्जेक्ट की क्लास मिस की आपने? मैथ्स, इंग्लिश। इंग्लिश? आपको इंग्लिश अच्छी नहीं लगती? एंजॉय नहीं करती मैं इंग्लिश को। सारा इंग्लिश में बहुत अच्छी है। सारा सेम है। मेरी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, माइंड ब्लोइंग। सामने लोग ऐसे होते जाहिल, उनको समझ में नहीं आती। छुट्टी लेने के लिए कभी आपने बीमारी का बहाना बनाया? नहीं। आपने अनन्या? नहीं, मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद, आई लाइक गोइंग टू स्कूल। लड़कियों को मारने नहीं पड़ती? लड़कों को मुर्गा बना दिया, हाथ खड़े करवा दिए। लड़कियों को हमारे स्कूल में कभी पनिशमेंट मिला नहीं, मैंने कभी देखा ही नहीं। हाँ, मुझे कभी नहीं मिला स्कूल में पनिशमेंट। आपको कभी नहीं मिला? टाइगर, आपको? मुझे रूलर से मारते थे बचपन में। माय टीचर्स काफी स्ट्रिक्ट थे। कौन से सब्जेक्ट में? सर, मैथ्स में बहुत कमजोर हूँ मैं। ओह, सेम हियर ब्रो। तो या तो बिल्कुल यहाँ पे मारते थे। नक्कस पे तो या एक तो हमारे मैथ के टीचर थे, मैं ये नहीं बताऊंगा कौन सा नाम, क्योंकि अमृतसर जाता तो मिलता रहता हूँ। पता नहीं इतने सड़ेल थे ना वो, पता नहीं घर में बीवी से लड़के आते थे मेरे, इधर ना पेंसिल दे देते थे दबा के, एक्सप्रेशन देखते थे मेरे, मजा आ रहा है।
स्कूल में कभी किसी टीचर पे क्रश था आपको? नहीं? टाइगर सोच रहा है कि कौन सी वाली का नाम लो. हाँ था था. अभी तक जितने भी सवाल निकले हैं सब में से टाइगर ने कुछ ना कुछ चीट भी किया है. सबसे ऑनेस्ट ईमानदार, इतना ईमानदार इलेक्शन में खड़े हो जाए टाइगर. कैसे? How are you? Very good, thank Hi, you. Hi, कैसे? अरे कप्पू क्या आते हैं इंटरव्यू चालू. अरे गेस्ट लोगे खाना पीना पूछने का पहले. अरे दोरे. Yes. पनीर रोल फॉर यू. वेज रोल फॉर यू. और ये आपके लिए खास स्प्रिंग रोल. अरे बाबा यही से लगता है इनको. ये बैक फ्लिप बहुत मारते हैं ना. आप ये खाएंगे ना ये भी अंदर जाके बैक फ्लिप मारेगा ऐसा कर. टाइगर मैं सच्ची बोले जी आप ना ऐसा बैक फ्लिप मारते मेरे जी बहुत घबराता. मेरे को ना डर लगता है कि कहीं जेब से चिल्लर ना गिर जाए. हाय. हाउ आर यू? गुड. चंकी पांडे जी की बेटी है ना. हाँ. अनन्या पांडे जोरदार ताली इनके लिए. देखो अर्चना जी आखिरी पास्ता खा के भी कितनी फ्रेश लग रही है. और हमारे इधर कुछ लोग हैं जो चैनल का फ्रेश फ्रूट खा के भी आखिरी पास्ता जैसे दिखते हैं. मैंने खाया ही नहीं है यार. हाय. सो मी. यू तारा सुतारिया? यस. माई सेल्फ सपला नाला सुपारिया. आते ही फालतू बातें शुरू. ये बासी रोल पहले तेरे को वापस करो. ये पता नहीं कहाँ से मांग के लाई है. तू काफिया देख काफिया. तारा सुतारिया सपना नाला सुपारिया. उधर अर्चना पूरन सिंघाड़िया. मैं तो कह टाइगर आज आने छने वाली थी. बहुत बिजी थी अंदर. ओके. हाँ लेकिन मेरे को पता चला ना ये लोग आए ले. अब नई लड़की लोग है इनको मोटिवेशन के लिए कोई ना कोई लेडी तो लगेगी. बिल्कुल. इसलिए मैं आई आप लोग के लिए. बढ़िया. अभी क्या पिक्चर आ रही है स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2. इससे इन दोनों की बोनी हो रही है. बोनी क्या होता है? डेब्यू कर रही हूँ. नहीं नहीं बोनी ची रहता है. देखिए अगर बोनी नहीं होते तो जानवी कपूर का डेब्यू होता क्या? मैं क्या एक्चुअली आप लोग को ब्लेसिंग देने के लिए आई ली है कि आप लोग की पिक्चर सुपर हिट हो जाए. थैंक यू. थैंक यू. नहीं 150 रुपया निकालो. टाइगर आप बुरा ना माने इधर बैठेंगे क्या? बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू नो टू द न्यू गर्ल्स यू हैव वर्क्ड यू नो. हाय अंग्रेजी. वी हैव टू टीच देम अबाउट फिल्म इंडस्ट्री. योर फादर सुपरस्टार. माय मामा सुपरस्टार. हिज फादर सुपरस्टार. देखिए यस प्लीज. सबसे पहला मैं आपको टिप देती है. अभी देखिए आप लोग अभी प्रमोशन के लिए जाएंगे पिक्चर के लिए. तो कभी भी ऐसा कुछ रहेगा ना तारा तो आप इनके बारे में बोलना आनंद शी इज वेरी गुड गर्ल यू नो शी इज अ ग्रेट सिंगर. ओ झूठ बोलना. शी इज वेरी फनी ऑन सेट. शी इज अ ग्रेट पर्सन. ऐसा सब बोलने का लेकिन अंदर ही अंदर जलने का. ऐसा रहे. एंड यू ऑल्सो आप भी ऐसा इनके बारे में बोलने का. शी इज अ ग्रेट पर्सन यू नो शी वाज अ ग्रेट इंस्पिरेशन. सब जानती है तो. लेकिन लेकिन अंदर ही अंदर जल जल के एकदम जल कुकड़ी हो जाने का. डन. झगड़ा करवाने है इधर? झगड़ा नहीं करवाने आई है. जेलेसी इज द मेन फैक्टर इफ वांट टू गेट सक्सेसफुल इन द फिल्म इंडस्ट्री. दूसरा मेन इंपॉर्टेंट टिप. कपड़े भले ही मनीष मार्केट से लो लेकिन अगर कोई पूछे कि किधर से खरीदे लाए बोलना मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया. क्या फालतू बातें कर रही है? ऐसे कौन करता है? बड़े बड़े लोग ऐसा करते हैं. कौन? हाँ अर्चना जी को देख लो अभी. नहीं नहीं अरे गलत समझ रहे आप लोग. अर्चना जी ऐसा नहीं करती. उन्होंने मेरे को आर्टिस्ट लोग के बारे में बताया है जो जो ऐसा करते हैं. कहती है परमित और उसकी वाइफ यही सब करते. हो गई तेरे फालतू टिप्स हो गए. अरे नहीं एक और टिप बहुत इम्पोर्टेंट और चाहिए. हाँ, हाँ. देखा गर्ल्स. अच्छा वन मोर इम्पोर्टेंट टिप. कोई भी प्रोड्यूसर का फोन आएगा ना भले आप फ्री हो. हाँ. बोलने का डेट ही नहीं हमारे. वी आर बिजी. और शूटिंग पे एक्टिंग का तो कोई टेंशन नहीं है.
एक्टिंग का ज्यादा ध्यान नहीं देने का, सेल्फी जरूर खींचने का. कम से कम 5000 सेल्फी खींचने का और पूरा साल वो डालते रहने का. हैशटैग बिजी, हैशटैग ग्रेट फन, हैशटैग ऑन द सेट्स फन, ऐसा डालते रहने का. इससे क्या रहता है कि मीडिया में एक भावकाल बना रहता है. एंड द लास्ट एंड फुल एंड फाइनल विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, क्रिटिक. क्रिटिक लोग के लिए सोशल मीडिया पे लिखने का, आई लव क्रिटिक. भले ही रात को उनके घर पे जाके ऐसा पत्थर मारो. डन. वाह, एक बार सपना के लिए जोरदार तालियां. ये बहुत शाना है मालूम है, ऐसा जोरदार था ताकि मैं भी उठ के चली जाऊं. मैं तेरे को बहुत अच्छे से जानती है. मैं अभी मेरा धंधे का बात करेगी आप. दिस आई हैव अ पार्लर, यू नो, सपना ब्यूटी पार्लर. एंड आई डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसाज हियर. फर्स्ट मसाज वी हैव चंकी पांडे मसाज. इसमें क्या होता है? इसमें हम कस्टमर का कपड़ा उतार के तेल लगाते हैं और फिर उसको कपड़ा पिना देते हैं. ये कैसी मसाज है? आई एम जोकिंग. फिर हमारा वो मसाज बहुत अच्छा है, मामा मिया मसाज. इसमें क्या है? इसमें क्या करते हैं, हम कस्टमर को ऐसा गरम तेल लगा देते हैं, फिर मामा और मिया आके साथ में मसाज करते हैं. ऐसा रहता है. फिर अभी इन लोग का गाना सुपर हिट चल रहा है, गिली गिली अप्पा, उसके लिए जोरदार ताली. तो वी हैव गिली गिली अप्पा मसाज ऑल्सो. नाइस. इसमें क्या करते हैं, हम लोग ऐसा कस्टमर को तेल लगा के गिली गिली कर देते हैं और फिर उसके अप्पा के पास भेज देते हैं. ऐसा रहता है. देन वी हैव टाइगर मसाज. उसमें क्या है? इसमें क्या रहता है, हम लोग मसाज नहीं करते, ताई घर आके मसाज करते. टाइगर मसाज ऐसा रहता है. एंड देन वी हैव स्पेशल बिड़ू मसाज. अच्छा. इसमें बिड़ू आके मसाज करेगा? अरे करेक्ट पकड़ा रे तूने, बिड़ू ही चाहता है. लेकिन पूछ तो सही, बिड़ू है कौन? कौन? वो अर्चना बिड़ू. अरे माय गॉड, आई एम सो सॉरी. यू लाइक नो माय टिप्स नो? वेरी मच. कैन यू राइट एंड गिव प्लीज? अब इतना बोला, अब राइट के भी देना पड़ेगा मेरे को. अच्छा, मैं आप लोग को किताब में लिख के भेजेगी टिप्स. सॉरी, मेरे को कप्पू जाने का है. वो मैं भूल ही गई, 15 मिनट इधर थी ना, वो एक कस्टमर को अंदर ओवन में रख के आई है. अरे उसको पिज्जा मसाज चाहिए था ना, तो मैं क्या किया, उसको ऐसा फोल्ड विल करके त्रिकोण बना के ऐसा ओवन में डाल दिया. मैं जाती है बाबा, मेरे को डर है कि कहीं उसका सॉस ना निकल गया. मैं चलती हूँ. टाइगर आप प्लीज यहाँ आ जाइए. और हमारे शो में कोई भी लड़की आके बीच में बैठने का करे तो ऐसे उठना नहीं, असली माल नहीं है, सब मिक्स है. तारा, आप ओपेरा सिंगिंग भी करती हैं? हमारी रिसर्च हुई पड़ी पूरी. जी. वाओ, आप कितनी लकी है, आपको पहली बार हमारे शो में ओपेरा सिंगिंग गाने का मौका मिला. नहीं नहीं नहीं, कपिल सर प्लीज. अरे हो जाए सर, प्लीज. वाओ वाओ, ब्यूटीफुल. और कोई जिसको ओपेरा सिंगिंग में इंटरेस्ट है या गा सकते हैं, आप हाथ खड़ा कर सकते हैं. जी भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? सर एकदम बढ़िया हो. कहाँ से आए आप? सर यही बगल में से आया हूँ. बगल में से? किसके बगल में से? मीरा रोड से. अच्छा, मीरा रोड से. मीरा रोड इधर है, तो बड़ी दूर है. बहुत दूर है. मेरा नाम हीरेन है. जय श्री कृष्णा टू एवरीबॉडी. जय श्री कृष्णा. बताइए कुछ. अभी गरम गरम हो रहे अभी. इसके बाद उड़ेंगे उड़ेंगे ये. घर घर जाना, घर जाना वापस. कितने मिनट बाद शुरू करेंगे आप? ये क्या था? छोटे बच्चे को सुसु कराते ना जब.
तब ऐसा बोलते ये तो छोटे बच्चे को भी सुनाओगे ना वो भी करेगा मेरे को नहीं आया धन्यवाद आपका थैंक यू सर थैंक यू वी लव यू शुक्रिया शुक्रिया थैंक यू सर लव यू टू शुक्रिया और कोई हमारे दोस्त यस बेटा अच्छा दो अच्छा आपकी मम्मी है वाओ बता दिया आपने मम्मी है तो मुझे तो यकीन ही नहीं होता मम्मी है अभी भी लगता है कॉलेज से निकल के आई है स्टूडेंट हेलो कैसे हैं आप आई एम ऑल गुड थैंक यू सो मच थैंक यू क्या नाम है मैम आपका मिताली ओके तो आपको शौक है ओपेरा सिंगिंग का ओपेरा सिंगिंग का शौक तो नहीं है बट जब से ये धुन सुनी है हम दिल दे चुके सनम जी ये जो एक सॉन्ग है बहुत ही फेमस उसकी जो शुरुआत है उसमें ऐसी ही कुछ गायकी है और वो सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है एंड मैम आई रियली वांट टू टेल यू यू आर ऑसम थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फैंटास्टिक थैंक यू थैंक यू मैं अगर इजाजत हो तो उसी को थोड़ा सा सुनाना चाहूंगी जी वाओ क्या अच्छा सुर में आप मिताली आप शौकिया गाती हैं आई एम एक्चुअली हाउसवाइफ बट आई परस्यू सिंगिंग एंड आई एम अ सिंगर आल्सो या आई एम लर्निंग ओके ओके चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए थैंक यू सो मच फॉर देखो हमारे स्टूडेंट्स कितने टैलेंटेड हैं एक्टर्स भी हैं सिंगर्स भी हैं स्टंट्स भी करते हैं डांस भी करते हैं अनन्या आप एक्टिंग के अलावा और किस किस में शौक रखती हैं आप क्या आपको पसंद है शौक मैं एक्चुअली मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूं हाउ क्यूट इट्स माय टैलेंट शो वेरी नाइस ओ नॉट बैड आई डिड इट और कौन कौन कर सकता है ओ ऐसे ओ रियली वो तो चलो बच्ची आप इतने बड़े होके ये सब काम कर रहे हैं अच्छा क्योंकि आप तीनों स्टूडेंट्स हैं तो हम आपको कुछ ऐसे बड़ा बेसिक सी बात पूछने चाहिए आपको दो का पहाड़ा आता है टू टाइम्स टेबल टू फोर सिक्स एट टेन हाँ जी टू टू क्या टू टाइम्स ना टू टू टाइम्स टू 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 इज अ फोर नहीं ये जो टू और टू के बीच में क्या आता है दो आसान है अच्छा हिंदी में सुनाओ फिर दो टाइम्स दो दो टाइम्स तीन अरे दो टाइम नहीं दो इक्कम दो दो दुनी चार ऐसे हाँ देखो सरकारी स्कूल वालों को पता है हमें तो ट्यून याद कर लेते हैं तो दो दूनी चार तीन दूनी छः चार दूनी आठ अगर वो ट्यून चेंज कर दी आपने तो सब गलत तो सारा पहाड़ा गया अब मैं कुछ नंबर्स बोलूंगा आपको बताना है उनको हिंदी में क्या कहते हैं 55 55 55 वेरी गुड नाइनटी सिक्स छनबे छनबे छियानवे बिल्कुल सही ओके ओके 67 वन सेकेंड सात पैंसठ वेरी गुड थैंक गॉड 44 बस अब मेरा एक आंसर हो चालीस चालीस अरे चालीस तो 46 हुआ छवालीस इज इट छवालीस फर्स्ट For you. It's 40. Close, yeah. That's what I said. Okay, last. 79. One second, huh? 70. This is a good one, huh? Difficult. 90. Really? No, no, no. 70. इसका नाम जो आगे 80 आ रहा है ना उससे मिलता जुलता है उससे जुड़ता है थोड़ा सा 79? Yeah! 79? Oh my God. नहीं? Correct. 79. 79. 79. अच्छा अभी कुछ लोग ना गलत आंसर पे हंस रहे थे मैं आपको मौका देता हूँ अब साथ में चलते हैं रैंडमली हमने ऑडियंस से पूछना है जो भी आपका मन हो लड़कियों आ जाओ आप कोई भी सवाल इनमें से पूछ सकती हैं इनको ओके आपसे पूछना है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है क्योंकि वो गर्म हो रहे थे ना तो 36 नहीं आप नहीं गर्म होते उसका पानी पानी जब गर्म होता है उबलता है तो अंडा उबालते हैं ना 48 तो अमृतसर में जाता है उधर क्या हम लोग सारे उबले हुए अंडे हैं हम लोग
पानी जिसमें बॉयल करता है 100 डिग्री 100 डिग्री वो तुक्के मार रहा है बंदा मैंने देख लिया तो इट्स एक्चुअली 100 हाँ और किसी को उठा के पूछ लो जो आपका मन है जो आपको लग रहा है कि सबसे इंटेलिजेंट होगा जो आप कह सकते हैं हेक्सागन की कितनी साइड्स होती है वैसे ये होता क्या है Six side की जो shape होती है ना छह side की अच्छा अच्छा षटकोण मैं पूछूं हाँ पूछिए who should we ask that's it okay वो देखो हाथ खड़ा उनको सवाल भी नहीं पता वैसे खूबसूरत लड़की बोल रहे हैं तो 5th September Teachers Day किसकी याद में मनाते हैं डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली कैसे पता इसको सर मैं स्टेज में आना चाहता हूँ मम्मी बहुत बहुत बार बोली थी जाएगा तो जरूर कपिल सर से मिल के आना मम्मी को लेके नहीं आए शो में एक्चुअली मैं शॉपिंग के लिए आया था मैं अच्छा और मैंने बोली इधर आके बैठ गए यार एक बात बताओ शॉपिंग करने आए थे इधर आके मतलब क्या हम लोग क्या बेच रहे इधर इधर एक बात बोलता हूँ मैं हाँ जी हमारे घर में एक ऐसा शो है जिस टाइम मोबाइल यूज नहीं करते वो है कपिल शर्मा शो सर थैंक यू मेरी मम्मी मैं चैलेंज करता हूँ सर पूरे इंडिया में आपकी सबसे बड़ी अगर मेरे बाद फैन है ना तो मेरी मम्मी है और उनके अलावा कोई नहीं लगता होगा ऐसा कोई एपिसोड नहीं होगा जो ना देखे सो स्वीट प्लीज उनको मेरा प्रणाम कहना आप ही बोलिए ना मेरी मम्मी को क्या बोलूं हेलो हेलो मैम थैंक यू सो मच हमारा शो को इतना प्यार देने के लिए मेरी भतीजी है मौली उसको करके इनकी भतीजी हैं मॉली हाय मॉली लॉट्स ऑफ लव और दोस्त क्या नाम है दोस्तों के दीपक एक कॉपी पेन दो मैं लिख लेता हूं आपके कितने दोस्त बोल दीजिए सारे दोस्त आपका नाम मैं भूल गया सॉरी रवि सिंघई तो रवि सिंघई के जितने भी दोस्त हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत प्यार और मेरे मामा पक्ष वाले जितने नागपुर के हैं इनकी मामा साइड वाले जो हैं बुआ साइड वाले सब एक ही साइड आ जाओ ताकि हम एक ही बार सबको विश कर दे आपको भी टाइगर से मिले हैं हाँ सर सर आपकी बॉडी खुशी में आपकी आंखें क्यों बंद हो जाती है बहुत अच्छा सर मेरी बचपन से ही है कि क्या तो आंखें बंद हो जाती चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर थैंक यू सो मच सर रिक्वेस्ट है आपका सो कंटिन्यू रहना चाहिए हमेशा पूरी लाइफ टाइम बहुत बहुत मुबारक बहुत 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 मुबारक आइए 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 टाइगर प्लीज अनन्या तारा पांडे साहब की भी बेटी आई है श्रोफ साहब का भी बेटा आया है वैसे एक बार टाइगर के लिए जोरदार ताली नहीं नहीं जोरदार नहीं रोरदार ताली हाय तारा हाउ आर यू वेरी वेल क्या कड़क तारा यार मेरे पापा कहते हैं कि अगर तू पढ़ाई नहीं करेगा ना मैं तेरे को थप्पड़ मारूंगा तारा दिखा दूंगा अगर ऐसा तारा दिन भर देखना मैं रोज थप्पड़ खाऊंगा गुड्डू स्कूल क्यों नहीं गया तू आज मैंने अभी उस स्कूल में पढ़ना नहीं मेरा स्कूल से विश्वास टूट गया है मैं गुज्जू यादव अब कमजोर के स्कूल में पढ़ूंगा तेरे स्कूल में क्या कमी है पढ़ाई तो सेम ही होती ना स्कूल सेम में? नहीं होती कप्पू अंकल ये मिथ है मेरे स्कूल से जो पढ़ के पास होता है ना वो ऐसे गिटार बजा रहा होता है वो देखो हाँ और इनके स्कूल से जो पढ़ता है ना वरुण धवन आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा ऐसे बच्चे बनते हैं मैंने उधर ही पढ़ना चाहे मेरे पास फीस नहीं है मैं अपने डैडी को गिरवी रख दूंगा अनन्या मैं तारा के स्कूल में पढ़ू छोटी सी निक्कर पे बाइक पे मेरी एंट्री हो ऐसे करके मैं क्लास में जाके तारा की किताबें फाड़ू अनन्या के बाल खींचू टाइगर को किक मारू और उसके बाद चंकी पांडे डंडा लेके आए क्या लेके आए चंकी पांडे डंडा लेके आएंगे फिर पांडे साहब पैसे के बिना कहीं नहीं जाते अनन्या की टीचर कह रही थी कि प्लीज स्कूल आ जाओ पेरेंट्स मीटिंग क्या कहते 4 लाख लूंगा पेरेंट्स मीटिंग भी अटेंड करूंगा चलो प्रेयर भी अटेंड कर लूंगा यार मेरा सोफा बड़ा ऊंचा है इसको नीचा कर थोड़ा बैठ इधर अंकल मुझे पता है आप मेरे से इरिटेट क्यों हो रहे पूछो क्यों क्यों
अभी उसका फैसला हो जाता है। चलो अनन्या मेरी तारा आपकी। मेरी वाली तो मान गई आपकी वाली। जी। ओए, ओए, ओए। ये है करण जोहर की फिल्म का पोस्टर। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3। कप्पू अंकल, जब कोई हीरो जैसा बच्चा आपके सामने आपकी नाक के नीचे दो कड़क हीरोइनों के साथ डांस करता है तो कैसी फीलिंग आती है आपको? मेरा दिल करता है तेरी चोटी खींच दूं तेरी। खींच सकते हो यार, आपका चोहा हम क्या बोले। लेकिन मेरी पढ़ाई पे बात उठाई थी आपने। मैं बहुत टैलेंटेड बच्चा हूँ, मेरे को पता था आज करण जौहर के स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, मैंने उसी पे ऐसे बना लिया। कौन सा ऐसे सुना? आज का मेरा शीर्षक है करण जौहर के स्कूल के बच्चे। इनके स्कूल के बच्चे प्राय बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के बच्चे होते हैं। इनके स्कूल में पढ़कर कोई भी इंजीनियर डॉक्टर वकील नहीं बनता, सब हीरो और हीरोइन बनते हैं। इस स्कूल को देखकर नासा वाले खतरे में आ गए हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इतने तो हम रॉकेट लॉन्च नहीं करते जिनके इनके स्कूल से बच्चे लॉन्च हो रहे हैं। इनके स्कूल में बेल नहीं बजती, अक्सर वॉयलिन बजती है। वॉयलिन सुन के सारे बच्चे रोमांटिक हो जाते हैं, लड़कियों के स्लो मोशन में बाल उड़ने लग जाते हैं और वो इधर उधर घूमने लग जाते हैं। इनके स्कूल में अक्सर लड़कियां छोटी छोटी स्कर्टें पहनती हैं, तरह तरह के घुटने देख के सबका मन पढ़ने को करता है। इनके स्कूल में लड़के लड़कियों के पीछे होते हैं, छोटा लड़का टीचर के पीछे होता है और अगर प्रिंसिपल आ जाए तो उसे भी किसी लड़की के पीछे लगा देते हैं। इनके स्कूल का इस ऐसे के शीर्षक का मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि काश मैं अपना बाप बेच के इनके स्कूल में भर्ती हो जाऊं, फिर मैं दिल जय हिंद, मैं देश के बारे में बता रहा था। तुमको तो जग्गू दादा के घर पे पनीर देकर आना था, यहाँ क्या कर रहे हो गुड्डू? वो डैडी मैं पनीर देने गया था, लेकिन जग्गू दादा के घर के बाहर ना बहुत ज्यादा भीड़ थी। वो जग्गू दादा का घर है, वहाँ भीड़ नहीं लगती है, वहाँ भीड़ू लगता है। लेकिन सही में सर, आपके पिताजी का जो स्वैग है, आई रियली लाइक इट सर। वैसे टाइगर जी आपके भी बहुत बड़े फैन है, मतलब कमाल है, इतने बड़े आदमी बन गए लेकिन जरा भी शो ऑफ नहीं करते। शो ऑफ। अनन्या जी, आप में और हम में एक चीज कॉमन है, आप पांडे हैं और हमारे दोस्त प्यार से हमें पांडा कहते हैं। तारा जी, दिल बोले तारा रा। हेलो डैडी, तारा रा फारा रा मैं उनके साथ कर चुका हूँ पहले। आप लेट आए हो, कुछ नवा नवा बोलो। तुम तो अब घर चलो यार, तुम्हें सूतेंगे, सूत सूत के तुम्हें ना सुतारिया तो कहना। देखिए यार, गुस्से में भी किस तरह जॉक्स का प्रयोग कर लेते हैं हम यार, इनबॉर्न टैलेंट आई टेल यू। लेकिन पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कह दो, सुन लेंगे। मुझे भी टाइगर की तरह फिल्में करनी है, मुझे भी लॉन्च होना है। आप करण सर से बोलो ना, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी इस हैंडसम हंक पे नजर ही ना पड़ी हो। तुम्हें लॉन्च होना है? हाँ जी, मुझे लॉन्च होना है फिल्मों में। फिल्मों में सिक्स पैक एब्स के नीचे आधा एब भी कम हो जाता है ना, नहीं करते वो लॉन्च। और अपने आप को देखो, यू आर बोरी ऑफ आटा लुकिंग लाइक बटाटा। बेटा लेकिन टेंशन लेने का जरूरत नहीं है बेटा, हम तुम्हें लॉन्च करेंगे। सर हमने भी एक कहानी लिखा है फिल्म का, मैम सच में कहानी लिखा है, आप कहें तो जरा शेयर करें आपके साथ। बिल्कुल। द फिल्म इज कॉल्ड स्टूडेंट ऑफ द फाइनल ईयर। कहानी कुछ ऐसा है सर, अपना गुड्डू है फिल्म का हीरो है। अब ये जो है घर से निकलता है स्कूल की ओर अपनी बाइक पे। अब बाइक इसका चल रहा है। पुलिस ने पकड़ लिया आगे यार। क्यों? 18 साल के हुए हो?
क्यों जा रहे हो बाइक पे यार, चल के जाओ स्कूल है यार, क्या जरूरत है? ऐसा गलती करते हो पकड़े जाते हो, पकड़ लिया पुलिस ने, अब क्या करें? सॉरी डैडी। सॉरी। फिल्मों में जैसे ना बुढ़ा जवान हो जाता है, जवान बुढ़ा हो जाता है, वैसे मैं मुझसे लगा लूंगा, ऐसे बड़ा हो गया। ये देखिए पापा जी मुझसे। तो पहले लगाना चाहिए था ना बेटा। सॉरी डैडी। चलो अब मुझे लगा लिया, अब ये अपने घर से निकलता, अब बाइक इसका सड़क पे चल्ला 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 आगे। पुलिस ने पकड़ लिया यार। ये क्या मतलब हुआ? अब तो मैंने मुझसे भी लगाई, अब क्यों पकड़ा? हेलमेट नहीं लगाया ना यार। बाइक लेके निकले हैं, हेलमेट नहीं लगाएंगे, अब तुमको जेल में डाल दिया है, पता है तुम जेल में हो? जेल में? पापा बचा लो मुझे, फिर क्या हुआ? अब जो है ये पॉइंट पे शंख बजता है, पत्ते उड़ते हैं, सर 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 सर, बिजली कड़कती है, कड़ 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 कड़। और यहाँ पर बच्चे के बाप बच्चा यादव का स्लो मोशन एंट्री, डैन टैन। वाह पापा वाह। बच्चे का रोल फिल्म में 10 सेकंड में कट और फिर उसका बाप आ जाता है। मेरे को नहीं करनी ऐसी वाहियात फिल्म, मैं अर्चना जी से अच्छी फिल्म लिखवाऊंगा। वो फिल्म नहीं लिखती हैं। अच्छा लिखती भी नहीं है? फिर ये करती क्या है यार? ये समाज में क्या चल रहा है? मेरा तो मूड ही खराब हो गया, मैं एक पल नहीं यहाँ पर रुक सकता। अनन्या आज पापा का आशीर्वाद ले ले। पापा ये पांडे जी की बेटी मिसेस यादव बनेगी, आशीर्वाद। अरे नहीं इसमें मत पड़ो बेटा, नहीं नहीं, अरे चलो निकलो यहाँ से। मुझे भी ये मिलेगा? हाँ ये फैमिली का ट्रेडिशन है। हाँ जी हाँ जी, जैसे आप मेरे से शादी कर लोगी ना, हम ऐसे करके आपकी दोनों उंगलियां शॉक में डाल देंगे, आपका ये खड़ा हो जाएगा। बाय अनन्या, टेक केयर। बहू को देखना नहीं ज्यादा, वो हमरी है। बाय दारा, बाय टाइगर जी, बाय कपिल अंकल। देखिए हमारे बेटे के बदतमीजी के लिए हम माफी चाहेंगे। कोई बात नहीं। हाँ जी कोई बात नहीं, बाप भी तो बदतमीजी है। जोक नहीं सुनाएगा आज मेहमानों को? अरे हाँ सर, आई हैव अ जोक्स का पिटारा। तो ब्लड ग्रुप जो है अलग अलग टाइप का क्यों होता है? क्यों? क्योंकि मच्छर को भी वैरायटी चाहिए यार, कब तक है कि खून चुके। एक और एक और एक और हमें बताइए कि अगर 10 मजदूर मिलके एक दीवार 5 घंटे में बनाते हैं तो 20 मजदूर वही दीवार कितने वक्त में बनाएंगे? 2.5 घंटे में। बना हुआ दीवार है फिर क्यों बनाएंगे? बना हुआ दीवार बार बार क्यों बना रहे? थोड़ा ज्यादा फनी हो गया ये वाला। चलिए सर अब हम चलते हैं, थैंक यू, नाइस मीटिंग यू, नाइस मीटिंग यू। उसको इग्नोर कीजिए, बच्चे को उसका बात का कोई ऐसा वो नहीं है। चलिए थैंक यू, यो ब्रो, यो सी, यो, चलिए थैंक यू, मिलता है। अब वक्त है फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से एक और एक्टर को इस मंच पे बुलाने का। इन्होंने फिल्म में बहुत ही बाकमाल किरदार निभाया है, सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम यूट्यूब सेंसेशन हर्ष बेनीवाल। हमने ट्रेलर में देखा आप बड़े क्यूट लग रहे हो। थैंक यू सो मच। बधाई हो करण जौहर की। अरे करण जौहर की फिल्म कर रहे हो, कितनी खुशी है आपको? दिख रही है मेरे चेहरे पे कितनी खुशी है। जब आपको करण सर की फिल्म मिली तो आपको खुशी तो ही होगी, चलो इसी बहाने कपिल शर्मा शो में जाएंगे कि नहीं? हाँ मेरा पहला वो ही था कि अगर मेरे को फिल्म मिले मुझे कपिल सर के शो पे जाना है। स्वीट यार। मैं आपको बता दूं यूट्यूब पे बहुत ही फेमस हैं। कितने हर्ष आपके सब्सक्राइबर्स कितने हो गए होंगे अभी? 5.8 मिलियन ऑन यूट्यूब। वाओ हर्ष आपका अभी तक का सबसे हिट ज्यादा, मतलब ऑब्वियसली सब वीडियो आपके बहुत पसंद करते होंगे लोग। हाँ, इतने सारे फॉलोवर्स हैं तो कौन हाँ, सबसे ज्यादा वीडियो आपका कौन सा पॉपुलर हुआ? बनाई थी मैंने बहन भाई के ऊपर। अच्छा। तो उस वो सबसे लाइक 22 मिलियन व्यूज हैं उस पे। अरे वाह यूट्यूब पे। अरे हर्ष ऐसा हमने सुना आप रैप भी करते हैं।
ट्राई किया था मैंने, मैंने गली बॉय का स्पूफ बनाया था. अच्छा, टमी बॉय करके. टमी बॉय. हाँ यार, हमारे यहाँ पे दर्शकों को भी सुनाइए प्लीज. हाँ प्लीज सुनाइए. वेरी नाइस हर्ष. फिल्म में जो ट्रायंगल लव स्टोरी है, जो हमने आइडिया लगाया ट्रेलर देख के, तो एक हीरोइन जो होगी वो हीरो के साथ चली जाएगी, आपका क्या है मतलब? पूछ लो कौन चलेगी मेरे साथ. तो आपका भी कोई लव ट्रायंगल है बीच में कुछ ऐसा? नहीं, मेरा और टाइगर भाई का है, बस एक स्ट्रेट लाइन है. तो एक दोस्त है आप? ब्रो ब्रो वाला लव. क्यूट क्यूट वाला दोस्त है. आप बहुत क्यूट लग भी रहे. अरे थैंक यू. एक बार तालियां हो जाए हर्ष के लिए भी. हर्ष आप जो भी करें, आप बहुत ही यंग एज में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं. आप जो भी अपने जितने भी वीडियोस बनाए यूट्यूब पे करें या फिल्मों में काम करें, आप उसमें बहुत ज्यादा सक्सेसफुल. थैंक यू सो मच. लव यू. थैंक यू सो मच. मैं अब आपको एक मौका देता हूं जिसमें आपको बहुत कुछ जीतने को मिलेगा. पहले हम पैसे रखते थे उसमें, पर हम सिर्फ बोलते थे, दे नहीं पाते थे, हमारे पास है नहीं. पर आपको खेल खिलाते हैं के भैल करोड़पति. तो जी प्लीज लेके आइए जरा. नमस्कार 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 देवी और सज्जनों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस खेला में जिसका नाम है के भैल करोड़पति. तो आज हमारे इस खेला में हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से मार्शल आर्ट्स के मास्टर टाइगर श्रॉफ, द क्यूट एंड ब्यूटीफुल अनन्या पांडे, और जिन्हें देख कर धड़कता है सबका जिया तारा सुतारिया. आप लोग आज यहां पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया. हम आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आए हैं, हम आपको देना चाहेंगे. तारा जी, ये स्पेशल चीज आपके लिए. ओ चांद. इट इज ए चांद. इस चांद ने आज आपको पूरा कर दिया. अब आज आप पूरी हो गई हैं. पानी में मत जाइएगा, कहीं पानी पूरी ना हो जाए. जस्ट अ जोक्स, माहौल के लिए हम कह देते हैं. वैसे अनन्या जी, आपके लिए भी हम कुछ लाए हैं हमारे घर से स्पेशल. थैंक यू. क्या है? ये टिफिन एकदम खाली है घर पे, जो बना हो भर के दे दीजिएगा. आई एम वेरी हंग्री टूडे. टाइगर जी आपके लिए भी लाए हैं, ऐसी बात नहीं है. आप इतना मतलब सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, हमारी तरफ से ये लीजिए. क्या बात, शुक्रिया. 60 रुपए का रिचार्ज करके दे दीजिएगा. ओके. बिकॉज पुअर के साथ साथ आई एम वेरी नीडी ऑल्सो. चलता है, चलिए अब जो है खेला शुरू करते हैं आप लोगों के साथ. हेलो हेलो हेलो. हाँ, मुझे कल से गैस हो रही है. नहीं, मुझे ठीक नहीं करानी, मुझे खाली सिलेंडर चाहिए. मैंने बेचनी है. मैंने गैस का लघु उद्योग शुरू किया है. ठीक है. हाँ वाह वाह वाह, क्या बात है. तुम इधर क्या कर रहे? हेलो, बहुत मजा है आपको देख के. टाइगर साहब आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है. पहले यहाँ पे हाथी वगैरह ही आते थे. टाइगर देख के बड़ा मजा आया. मैं अभी जंगल में फोन करता हूँ. हेलो. हाँ जंगल, हाथी को फोन दो. हाँ हाथी. हाँ भालू को फोन दो. हाँ भालू. हाँ जिराफ को फोन दो. हाँ जिराफ. हाँ जेब्रा को फोन दो. नहीं मुझे काम कुछ नहीं, मेरे को मजा आ रहा है. मैं एक्चुअली अर्चना जी वाली फीलिंग ले रहा हूँ कि बिना काम किए मजा कैसे लेते हैं. आता ही उल्टी सीधी बातें शुरू कर दिया आपने. आपको कुछ अकल है कि नहीं है? बहुत ज्यादा अकल है. लोगों को आती नहीं, मेरी जाती नहीं है. लड़कियों मैं आपको एक बात बताऊं, इसकी जो ऊपर बत्ती निकली हुई ना ट्विंग करके, इसको थोड़ी सी आग लगाओ अनार बम चलेगा. अगर आप मार्शल आर्ट्स करते हैं तो आप ऐसे किक विक मारते हैं, आपके पास ऐसा कोई किक है जो इनके सीधा मुंह पे लगे और मुंह बंद हो जाए? प्लीज फॉर मी. ओए गरीबों के सुमो पहलवान, मेरी बात सुनो. टाइगर के पापा मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं. अच्छा. दिल्ली में मुझे मिलने आते थे करोल बाग. हाँ. लेकिन उनके आने के बाद ना
सारे जेंट्स लेडीज लड़ने लगते थे, उसके बाद नहीं आए वो। ऐसा क्यों? अरे वो जब भी आते थे सारे बच्चों को बोलते थे आ मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू। तो जो आदमी थे अपनी बीवी से झगड़ते थे कि तू तो कहती थी मेरा बच्चा है, ये किसका है, तो मेरे वाला कहाँ है। आई एम मिसिंग जग्गू दादा, उनको फोन करके बुलाओ टाइगर। अभी हाँ उनको बुलाओगे आ जाएंगे, बहुत अच्छे हैं। हम दिल से बुलाने की कोशिश करते हैं। आप बुलाओ जग्गू दादा, वी लव यू। बड़ो बड़ो मेरा बच्चा है तो, मेरा बच्चा है तो बड़ो। और चुप, लव यू। ये एपिसोड के शुरुआत में आप बोले कि मुझे आपका 5 रुपया देना है। आप जो मेरे घर आके 8,000 का वड़ा पाव खा के गए उसका। बड़ा चुप, मेरा बच्चा है तू। कैसे मेरा बच्चा है तू? अंकल मेरा बच्चा है तू। आंटी मेरा बच्चा है तू। मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू। हाथी का बच्चा है तू। सबके पापा आ गए, सबके पापा आ गए। मेरा बच्चा है तू। सबके पापा हो तुम। 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 मेरा बच्चा है तू। मैं तब क्या? हेलो हो क्या? पापा बच्चा, पापा बच्चा लगा के रखा है यार, शांत हो जाइए थोड़ा। अबे वो डायनोसर के अंडे, अभी तो हम हाथी का बच्चा थे, डायनोसर कहां से आया? बेड़ू अब उठ तो गया, बैठेगा कैसे? बैठ के देखा। मैं देखेगा बैठेगा कैसे? Come on. Watch it. वैसे टाइगर जी, ये नकली जग्गू दादा हैं, आप किसी को बताइएगा मत। अच्छा। खेला शुरू करने से पहले जग्गू दादा आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। पूछो। आप दादा कैसे बने? मैं पैदा ही दादा बोले। टाइगर डिड आई टेल यू अबाउट दिस? नो। मैं छोटा था, मैं लान होता छोटा था, मैं इसे पैदा हुआ तो जैसे पैदा हुआ मैं अर्चू वहाँ ऐसा गले में बांधा और जो नर्स थी उसको ऐसा कैंची दिखाया। मैं बोला मेरी बच्ची है तू। ओ क्या की वो ऐसा भागे हॉस्पिटल में, ऐसा बाहर गई भागे और बोले दादा पैदा हुआ, दादा पैदा हुआ। चल मेरा तो ठीक है, मैं सुपरस्टार हूँ। तू पैदा हुआ था कि उबाला गया था? मैं आपको बताता हूँ, जब ऐसे हनीमून कपल जब जाता है ना हनीमून पे, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट बहुत ज्यादा कर लेते हैं तो ये सब होता है फिर। पानी पानी। तो चलिए खेला शुरू करते हैं। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है कि आप लोग काफी फिट लोग हैं और जिम में जाते हैं, एक्सरसाइजिंग पसंद करते हैं, तो सबसे पहला सवाल ये, 50 ग्राम अंकुरित चने के लिए ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। हमारा सवाल है कि अक्सर देखा गया है कि लोग जब कोई लड़ाई होती है, बातचीत होती है, तू मैं होती है, तो कोई ना कोई इस झगड़े में जरूर कहता है कि सवाल ही नहीं पैदा होता। हम जानना चाहते हैं कि ये सवाल पैदा क्यों नहीं हो रहा है। वाह, आपका ऑप्शन है ए, क्योंकि सवाल के माँ बाप कभी हनीमून पे गए ही नहीं तो पैदा नहीं हो। ऑप्शन बी, सवाल के माँ बाप के ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, तीसरा नहीं चाहिए। ऑप्शन सी, सवाल ने कसम खाई है जब तक स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 नहीं देख लेता वो पैदा नहीं होगा। या फिर ऑप्शन डी, उसके पापा सऊदी में हैं लेकिन माँ यहाँ पर है, अगर पैदा हो गया तो सवाल पैदा हो जाएगा इसलिए वो पैदा नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से सवाल इसलिए नहीं पैदा हो रहा क्योंकि अगर सवाल पैदा हो गया तो जग्गू दादा कहेंगे मेरा बच्चा है तू। जग्गू दादा कोई विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे आप? अबे वो राउंड टेबल आदमी बकवास बनकर माय बात करेगा। अनन्या हाउ आर यू? आई एम गुड सर, हाउ आर यू? वेरी गुड, वेरी गुड। चंकी, चंकी के लिए जोरदार ताली, आई लव चंकी। चंकी मेरा बहुत अच्छा बचपन का दोस्त है,
माय पूछना था मेरे को चंकी अभी भी वो कंजूसी करता है क्या? बहुत कंजूस था वो अपने टाइम पे. थोड़ा कंजूसी करते हैं. यू नो अर्चू मेरा हैप्पी बर्थडे था. तो चंकी आया बर्थडे पे. माय चंकी को बोला गिफ्ट तो कहता है दो दे दो. ओ मेरे को गिफ्ट भी नहीं दिया और दो रिटर्न गिफ्ट लेके गया. बोलता है एक मेरे लिए एक अनन्या के लिए. मैंने पूछा था. बड़ा लव हिम चंकी इज द बेस्ट. लव यू चंकी. आई लव चंकी. बैठिए सर आप आराम से बैठिए. तो बताइए सही जवाब क्या लगता है आपको? I'm confused between A और C के बीच में. You sure? I think हम जाएंगे C के साथ. Option C? Option C. Let me check. Please do. My God, सही जवाब! हमारी तरफ से आप जीतते हैं ये 50 ग्राम अंकुरित चना. ये लीजिए ये अंकुरित चना है आपका. बाद में आपको मिल जाएगा. वैसे भी बाय चांस अगर आप इसे सादा चना की तरह खाना चाहते हैं तो इसका अंकुर आप काट सकते हैं. मर्जी है आपकी. उसके अलावा खाने से पहले अगर आप इसमें अर लगा दें तो ये अर चना भी बन सकता है. अगला सवाल 4 ब्राउन ब्रेड के लिए. ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे. तो सवाल यह है कि अक्सर कहा जाता है कि एक मछली तालाब को गंदा कर देती है. हम जानना चाहते हैं तो फिर दो मछलियां क्या करती हैं? आपका ऑप्शन है ए वो तालाब को और गंदा कर देती है, या ऑप्शन बी जब दो मछलियां मिलती हैं तो वो कुछ गंदा वंदा नहीं करती, वो चुगली करती हैं, ऑप्शन सी या फिर वो दोनों वो करती हैं जिससे और मछलियां होती हैं, या ऑप्शन डी या उनका पर्सनल मैटर है यार हमें क्या लेना देना. अच्छा मेरा एक सवाल है, जैसे छोले और राजमा रात को पानी में भिगो के रखो तो फूल जाते हैं, मछली 24 आवर पानी में रहती क्यों नहीं फूलती? मस्त है वो बेचारी सारा दिन पाउट बना के बैठी रहती ऊं करके, उसकी कोई सेल्फी क्यों नहीं लेता? That's so true. बहुत बढ़िया सवाल किया है आपने. आगे फिर मत कीजिएगा. जगु दादा इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? माय बड़ू आई लव फिश. मछली अपने को पसंद है बड़ू. और जब भी मछली मैं देखता हूँ तो मेरे दिल से एक ही आवाज निकलती है क्या? कि मेरी मच्छी है तू. आई लव ले. ना ना हमको दूध का कोई अरे पी मेरा बच्चा है तू. मेरा बच्चा है तू. बच्चा है पर इतना छोटा भी नहीं है. कैच दोनों को इग्नोर करते हैं. आप बताइए सही जवाब क्या रहेगा? डी. आई थिंक पर्सनल मैटर है उनका. पर्सनल मैटर है उनका. लेट मी चेक. प्लीज डू. सही जवाब. बहुत बढ़िया आपका उत्तर बिल्कुल सही है. अरे उत्तर भी सही है और मेरा पुत्र भी सही है. टाइगर लव यू. तो आप जीतते हैं ये 4 ब्राउन ब्रेड. ये लीजिए प्लीज हैव इट. लेकिन इसमें आप बटर लगा के खाइए, जैम लगा के खाइए, लेकिन आज 12 बजे से पहले खा लीजिएगा. जरा 15 दिन पुरानी है. It could be a little expired. Oh, okay. Just a little. Little. तो चलिए खेला को आगे बढ़ाते हैं. तो अगला सवाल 2 अंडों के लिए. ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे. 3 बत्ती के भिखारी. ये क्या बार बार ये स्क्रीन स्क्रीन क्या करता रहता है? हाँ बोलो. चढ़ा बनता इधर. कम कर. कम कर. वापस कर. स्क्रीन और भी कम कर. और कम कर. कम कर. स्क्रीन और कम कर. स्क्रीन पे. हाँ एक बात बता, तू इतना डरता है तो इतना बड़ा शो काहे को होस्ट करता है? अबे बहुत अच्छा कर रहा है बड़ो. इसके लिए जोरदार ताली हो जाए. फैंटास्टिक. एक बार कर ऐसा. आइसक्रीम. हाँ देखा इसको मैं सिखाया. बहुत बढ़िया. फैंटास्टिक. बहुत अच्छा.
बहुत-बहुत शुक्रिया जग्गू दादा फॉर द एनकरेजमेंट. एक मिनट, तुम ना शो बहुत स्लो चला रहे हो. एक मिनट. ये डला चौथा गियर, अब ये तेज चलेगा. आप अपनी गाड़ी पे ध्यान दीजिए ना यार, हमारे गियर क्यों चेंज कर रहे हैं. अनिवेज, तो दो अंडों के लिए सवाल हम पूछ रहे हैं. मुझे एक सवाल पूछना है. आप पूछिए. जैसे मुर्गी का अंडा होता है, कौवे का अंडा होता है, सांप का अंडा होता है, लेकिन सिर्फ मुर्गी का अंडा ही क्यों बिकता है? आई थिंक मुर्गी ने MBA किया. कमाल का बात किया इस आदमी ने, मुर्गी को भी MBA करवा दिया. MBA का फुल फॉर्म पता है? हाँ, मुर्गी बेचेगी अंडा. हैशटैग बॉयकॉट अरोरा. तो चलिए अगला सवाल. ये रहा दो अंडों के लिए आपका कम. अरे कर रहे, बहुत मजा आता है, करो बड़ो. Fantastic, good job. आप ना करो, करो. ये रहा अगला सवाल आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे. सवाल यह है कि आपका एक सुपर हिट डायलॉग है, सबको आती नहीं मेरी जाति नहीं. हम खाली जानना चाह रहे हैं ये किस चीज की बात हो रही है. आपके ऑप्शन है ए, नींद. सबको आती नहीं मेरी जाति नहीं, मतलब आप सोते ही रह जाते हैं. मे बी वी आर जस्ट आस्किंग. ऑप्शन बी, पेमेंट. सबको आती नहीं मेरी जाति नहीं, आप पेमेंट करते ही नहीं. हो सकता है. ऑप्शन सी, गर्लफ्रेंड. सबको आती नहीं मेरी जाति नहीं, जो है वो है. ऑप्शन डी. यही ऑप्शन डी है. ठीक. देखिए क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल है. इसमें क्या है, देखिए आप लाइफलाइन भी यूज कर सकते हैं. आई हैव 50-50, लेकिन उसमें चक्कर क्या है कि 50-50 अगर आपने यूज कर लिया फिर आपको एक ही अंडा इनाम में मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा. बिकॉज 50-50. आप एक्सपर्ट की राय भी ले सकते हैं, लेकिन फिर आपको अंडा एक्सपर्ट के साथ शेयर करना पड़ेगा. या फिर आप ऑडियंस पोल भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऑडियंस पोल लिया तो अंडे भी ऑडियंस से लीजिएगा, हम नहीं देंगे. चलो फिर ऑडियंस को पूछते हैं. ऑडियंस को पूछते हैं. ऑडियंस, आपको क्या लगता है? ऑडियंस का काफी मिक्स निकल के आ रहा है, तो एक बार जरा एक्सपर्ट की राय भी ले लेते हैं. एक्सपर्ट हमें बता सकते हैं. एक्सपर्ट बताइए. मैंने बताया नहीं. आप नहीं बताएंगे. जग्गू दादा आप हमें बताएंगे क्या जवाब हो सकता है. बोलो. मैं सिर्फ तीन चीज कहना चाहूंगा. कहिए. मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा. ठीक है, हम आपके बच्चे हैं. हमारे पिताजी भी आपके बच्चे हैं. हमारे दादाजी भी आप ही के बच्चे हैं. हमारे दादाजी के पिताजी भी आपके बच्चे हैं. अब बाकी जहान में जितने लोग बचे हैं वो सारे के सारे आपके बच्चे हैं. बोल दे रहा मेरे को. नहीं हम नहीं बोल दे रहे क्या? बोल बोलना. बोल बोल दे रहे क्या? बोल नहीं दे रहे क्या? पूछ रहे. अरे देना, मजा आता है, तो बहुत अच्छा करता है. गुड जॉब, डूइंग गुड जॉब. Fantastic, lovely, good job. I like it. आप एनकरेज करते हैं, डराते हैं, समझ नहीं आता. बिना मेरा बच्चा. I'm full. आपको बता जग्गू दादा, आप इसको बोतल दे रहे थे ना, ये बोतल दे नहीं पीता, ये भैंस चूस लेता है. एक बार तो भैंस इतनी चूस गया, सारी भैंस अंदर निकल गई, उन्हें पूंछ से पकड़ के खींची. ये तो चलता रहेगा. आप बताइए जवाब क्या हो सकता है. हम एक दूसरा ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, एब्स. आई थिंक वो सही आंसर होगा. लेट मी चेक. प्लीज चेक. अफसोस. नो. ये सही जवाब है. आप जीते हैं दो अंडे हमारी तरफ से, ये लीजिए. थैंक यू. निकम्मा कामचोर आलसी. इतने बड़े मेहमान बुला के
दो अंडे देता है। देखिए आप हमारे खेला में ना बाधा डाल रहे हैं। मैं तेरे खेला में कूड़ा भी डाल सकता हूँ। जग्गू दादा आप कुछ बोलिए ना इनको। हाँ बोलिए ना। आए, मेरा बच्चा है तू। आई लव यू। थैंक यू। तो मेरा बच्चा है तू, इन्हीं गोल्डन वर्ड्स के साथ ये खेला हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए। द टीम ऑफ स्टूडेंट ऑफ द ईयर टू, थैंक यू वेरी मच। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।